2024 द फर्स्ट सीजन द जूनियर आईपीएल मैच नंबर 17 एक तरफ है पंजाब किंग्स के कप्तान बापन मल गुजरात टाइटंस के कप्तान सोम मंडल और मैच रेफरी जयंत घोष स्पिन द कॉइन जयंत गुजरात कॉल हेड पंजाब बापन टॉस जीते तो क्या करोगे बैट फर्स्ट इज बैट रीजन हवा चल रहा है इसलिए और पिच कल आराम से चीज नहीं होता बैटिंग भी मिली थी और उसने बहुत एक लंबा स्कोर होता इधर से 8 में से 5 मैच चेज हुआ है आपके माइंड में ये हुई बैटिंग हवा की वजह से थोड़ा हवा है बीच में वो पहले बैटिंग कर रहा है वो जीत रहा है वो इसलिए और कुछ नहीं प्लेइंग 11 में चेज है क्या चेंज तो था अभी नहीं है चेंज अभी नहीं था वो नहीं है प्लेइंग 11 इज द सेम इन पिछला मैच इन द सेम प्लेइंग 11 बल्लेबाजी कर रहे रन में आ जाते 50 से 60 ऑल द बेस्ट सो आप तो अजीत तो क्या करते पिछला मैच हार के आ रहे हो आपको फीलिंग ही मिली है ऑपोजिट टीम को कितना रन पे रोकना चाहोगे 40-45 ऑल द बेस्ट पंजाब किंग ने टॉस जीत के बल्लेबाजी का फैसला किया है एक तरफ है संतोष सिंह तो दूसरी तरफ है बापन मंडल दोनों ही टीम के दोनों धुरंधर बल्लेबाज आज ग्राउंड पे देखने को मिलेगी तबाही पटाखे की आवाज आने वाली है क्योंकि डिपॉजिट द स्टैंड की आवाज आने वाली है कप्तान अपने फील्ड सेटिंग को जिधर जिधर पोजीशन को अपने अपने फील्डर को बोलते हुए और गुजरात टाइटंस पिछला मैच हार के आ रही है आज जिम्मेदारी रहेगी संतोष सिंह और रॉबिन के ऊपर अभी तो गेंदबाज का कमाल सामने संभालेंगे कप्तान सोम दोनों ऑन फिल्म पर जयंत घोष और अमित सरकार बहुत बहुत थैंक्स किन कोबरा को जिस तरीके से इस टूर्नामेंट में सपोर्ट किया है और दोनों बल्लेबाज क्रीज पे आ रहे हैं कप्तान बापन मंडल उसके साथ देने आए चंद्रो पिछले मैच में चीज था बापन अवेलेबल नहीं था आ रहा है और अपने टीम को अच्छी शुरुआत देने की कोशिश होगी बापन के ऊपर जिम्मेदारी रहेगी क्योंकि पिछला मैच हार के आ रही है 3 में से 2 मुकाबले हार चुकी है पंजाब किंग्स वो भी गुजरात टाइटंस का वही हालत है 3 में से 2 मुकाबले हार चुकी है ये चौथा मैच खेलने उतरेंगे ही दोनों टीम पहला ओवर करने आया है कप्तान सोम गुजरात टाइटंस उसके सामने बापन अच्छी शॉट उधर फील्डर मौजूद है दो रन की कॉल मिल जाएंगे बहुत ही अच्छी रनिंग है विकेट सोम अभी तक इस टूर्नामेंट में गुजरात टाइटंस से 4 विकेट ले चुके हैं अच्छी पिक डिपॉट दिस स्टैंड बहुत ही अच्छा शॉट बापन के द्वारा सीधा गई है सीमा रेखा के बाहर ओवर की तीसरी गेंद 2 गेंदों पे 8 रन आ चुके हैं अच्छी शॉट एक बार फिर हवा में गेंद फील्डर नीचे फील्डर पीछे 1 बाउंस 4 रन बहुत ही अच्छी शॉट मिस अंडरस्टैंडिंग हुई थी बल्लेबाज से कैच ड्रॉप कर दिया है कैच था बहुत ही खराब फील्डिंग गुजरात टाइटन से दान मिलते हुए बापन को आज क्या बापन कर सकते अपने बल्ले से वाइड बॉल कप्तान पेसर में गुजरात टाइटंस के 3 गेंदों पे 13 रन दे चुके हैं अभी तक शॉर्ट बॉल फायदा उठाया 1 बाउंस 4 रन छोटी गेंद को कर दिया खोटी गेंद में तकदीर बापन मंडल इस ओवर में 17 रन अभी भी आखिरी गेंद बाकी है बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी एक बार फिर हवा में फील्डर पीछे आते हुए और 2 रन 3 रन लेने की कोशिश और 3 रन मिल जाएंगे आराम से बहुत ही अच्छी रनिंग द विकेट बापन और चंद्र से एक ओवर की समाप्ति पंजाब का स्कोर 20 रन बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी इस ओवर में 20 रन आ चुके हैं 2-1 कैच ड्रॉप हुआ है बापन ने 19 रन बना लिए 5 गेंदों पे और दूसरा ओवर गुजरात टाइटंस से डालने आए हैं चंद्रो घोष अपने टीम को वापसी कर सकती है क्योंकि पहले ओवर बहुत ही महंगा ओवर
कोशिश होगी चंद्रो की कि इधर से वापसी करे, क्योंकि पहले ओवर में 20 रन आ चुके हैं। अच्छी शॉट, कट लगाया है, फील्डर मौजूद है, 2 रन। ओ ओवर थ्रो, मिल जाएंगे 3 रन। बहुत ही खराब थ्रो, क्योंकि रन लग चुके हैं बोर्ड पे। ओ नो बॉल, और बाय, मिल जाएगा 4। सोने पे सुहागा। पंजाब किंग्स का स्कोर इसी 5 रन के साथ हो चुकी है 28 रन। 28 रन नो बॉल, और फिर हिट, चंद्र द स्ट्राइक एंड न्यू बैटर, मैन फॉर औरंगाबाद। ओ अच्छी शॉट और 4 रन, बहुत ही अच्छी शॉट चंद्र के बल्ले से, ताकतवरी शॉट और डीप बाउंस, ऑन बाउंस, 4 रन। आज लंबी स्कोर हो सकती है पंजाब किंग्स, क्योंकि अभी तक 2 ओवर 3 बॉल, 1 ओवर 3 बॉल हुई है, और ये हवा में गेंद, फील्डर के ऊपर से टपका दिया है और दर्शक दीर्घा में भेजा है इस गेंद को। बहुत ही अच्छी शॉट चंद्र के बल्ले से, लगातार 2 बाउंड्री, पहले एक चौका है, इस बार छक्का। बहुत ही खराब गेंद, शॉर्ट बॉल, बल्लेबाज के नीचे भाग पे लगी है गेंद, और 1 रन। गुजरात टाइटंस, बहुत ही खराब गेंदबाजी, पहले मैच में जिस तरीके से चले थे, आप पहले मैच को याद करो, यही 2 ओपनर जोड़ी थे और चले थे अपने टीम के लिए सीनातान। जब 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 खंजूर से निकला है दोनों तलवार, विरोधी टीम पे किया है बार, एक है बापन मंडल, दूसरे है चंद्र सिंह, अपने टीम के लिए खड़ा उतरा है। पहले मैच में ये दोनों ही अच्छी शुरुआत दी थी, आज भी चौथे मैच में दोनों पार्टनरशिप कर चुके हैं। 39 रन की 2 ओवर की समाप्ति, 30 ओवर डालने हैं संतोष सिंह। 25 शॉट, फील्डर मौजूद है और कैच पकड़ लिया है, क्या बाउंड्री चेक करेंगे, बाउंड्री चेक होगी, और छक्का, बहुत ही अच्छी शॉट, एकदम बाउंड्री लाइन पे प्यार छू गई है फील्डर की, और ये मिल जाएगा छक्का। इसी छक्के के साथ 45 रन पंजाब किंग्स का स्कोर, क्या रिकॉर्ड तोड़ पाएगी आरसीबी की, देखने वाली बात है। ओ अच्छी गेंद, सिंगल लेने की कोशिश, और मिल जाएंगे, बहुत ही अच्छी रनिंग द विकेट दोनों बल्लेबाज से। तीसरी ओवर की 3री गेंद, वाइड बॉल। आज गुजरात टाइटंस के बॉलर कुछ लय में नजर नहीं आए, क्या हाई स्कोर हो सकती है, क्या आरसीबी की रिकॉर्ड तोड़ सकती है। हाफ टेकर शॉट, उधर फील्डर मौजूद है, फील्डर के थोड़ी आसपास ही गिरी है, 2 रन मिल जाएंगे आराम से। बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी दोनों पंजाब किंग्स के ओपनर से, एक बार फिर दी साइन गेंद, 50, पंजाब का स्कोर 50 पहुंच चुकी है, ये पहला ओवर मिल जाएगा, और बाउंड्री चेक होगी, 3 रन ले चुके हैं, वाइट बॉल, बाउंड्री चेक होगी, देखा दी साइन गेंदबाजी, बहुत ही अच्छी बॉल कम, बहुत ही अच्छी गेंद, आगे मर के माने की कोशिश, और वाइड बॉल, और स्टम्प आउट, जाना पड़ेगा चंद्र, पेसर में था क्योंकि बॉल डॉट कर चुके थे। बहुत ही अच्छी इनिंग्स अपने टीम के लिए, बापन का अच्छी तरह से साझेदारी निभाई, और चंद्र ने अपना काम करके गए हैं, अब तीसरे स्थानों पे आएंगे कप्तान, वाइस कप्तान बापन सिंह। इसके बाद आखिरी ओवर है और स्कोर जाके पहुंचा है 95 पे। एक आरसीबी ने हाई स्कोर इस ग्राउंड पे बनाया है, जो 82 रन बनाए थे, और पंजाब किंग्स की, पंजाब किंग्स ने बनाए थे 59 रन पहले मैच में। 3 ओवर की समाप्ति, 95 रन, 1 विकेट के नुकसान पे पंजाब किंग्स का स्कोर, 95। और चौथा ओवर करने आया है सोम, उसके सामने बापन, शॉर्ट बॉल, वाइड लाइन पे डालने की कोशिश है, और 1 रन। बापन स्ट्राइक लेना चाहिए बापन को, क्योंकि आखिरी ओवर है,
उस तरीके से अभी तक फॉर्म में लगे नहीं है बापन। और वाइड बॉल एंगल के साथ डाल रहे हैं गेंदबाज, तो बल्लेबाज को थोड़ी अंदर की तरफ खिलाए ना तो बल्लेबाज को परेशानी होगी। और एक बार फिर वाइड, और एक बार फिर वाइड, इस बार लहराती हुई गेंद करेगी सीमा रेखा को टच और एक्स्ट्रा 5 रन। बहुत ही खराब गेंदबाजी, बहुत ही खराब विकेट कीपर गुजरात टाइटंस की फील्डिंग में उतना आज नजर नहीं आए जोश। ये 17 रन एक्स्ट्रा दे चुके हैं अपने व्हाइट और बाय से। अच्छी शॉट, स्टेट में फील्डर मौजूद है, मिलेगा 1 रन। अच्छी सिंगल बापन करेंगे और 3 रन बाकी है तो मानना चाहेंगे 2-3 हिट। ओ अच्छी ऊपर फील्डर नीचे, नो मैंस में गिरी है, 2 रन मिलेंगे। तीन गेंद और 2 गेंद बाकी है आखिरी ओवर। ओहो माय गॉडनेस, क्लासिक विराट कोहली को याद दिला दी बापन ने, जस्ट फ्लिक इन पिक द हैंड एंड डिपॉजिट द स्टैंड स्टेड अराउंड द ग्राउंड। ओ माय गॉड, ये शॉट देख के नजाकत नजर आए बापन की तरफ से। एक बार फिर अच्छी शॉट, इधर फील्डर मौजूद है और 2 रन, 3 रन लेने की है कॉल और रन आउट करने की मौका। और देखने वाली है रन आउट है क्या 4 रन है, अंपायर से पूछा जाएगा। ये अंपायर चेक कर रहे हैं कि रन आउट होगा। ये 3 रन और ये 3 रन और बल्लेबाजी पीछे 45 रन बना है अपने बापन ने, 45 रन करके नाबाद है बापन। और अच्छी इनिंग्स, ये दूसरा इनिंग्स किसी बल्लेबाज से एमसीजी क्रिकेट ग्राउंड पे। ये दूसरा कप्तान, एक थे बेंगलोर के कप्तान जो 72 रन बनाए थे, आज है बापन मंडल अपने पंजाब किंग्स के 45 रन बनाए हैं अपने टीम के लिए। और जीत के लिए चाहिए गुजरात टाइटन्स को 76 रन, बहुत ही लंबी सॉरी 75 रन, 74 रन बनाए हैं पंजाब किंग्स ने। और जीत के लिए चाहिए गुजरात टाइटन्स को, जीत के लिए 75, बहुत ही लंबा स्कोर है। और ये मैच जीतना है तो किसी तरह रॉबिन को और संतोष को खेलना पड़ेगा बापन की और चंद्र की जैसे इनिंग्स। क्या ये मैच टक्कर टक्कर की होगी, मुकाबले दोनों टीम आपस में जाने चाहते हैं चुके हैं। अब बारी है संतोष और रॉबिन की, सीधा चलते हैं नेक्स्ट इनिंग्स में। गुजरात टाइटन्स के दोनों ओपनर आज रॉबिन की जगह पे चंद्र ओपनर करने, लंबा स्कोर है गुजरात टाइटन्स के, बहुत ही लंबा स्कोर, जीत के लिए 75 रन चाहिए। और संतोष सिंह को आज एक तूखार पारी की आवश्यकता है, अपने टीम को जीत दिलानी है तो चलना पड़ेगा दोनों बल्लेबाज को सीना तान। पहला ओवर का न्याय है बासु घोष, उसके सामने संतोष सिंह, बहुत ही अच्छी खेली है इस टूर्नामेंट में अभी तक। वो अच्छी गेंद, ये बल्लेबाज को परेशान करेगी इस तरीके से गेंदबाजी करेगी क्योंकि वाइड लेन पे आप गेंद खिलाना चाहते हो। अच्छी शॉट, इधर फील्डर मौजूद है और 1 रन। और चंद्र द स्ट्राइक, चंद्र घोष, उसके सामने बासु घोष, वो अच्छी गेंद वाइड बॉल, इरादा साफ कर दिया बॉलिंग ने कि खिलाना है तो वाइड वाइड के बाहर ही खिलाऊंगा। और बल्लेबाज को सोचनी पड़ेगी, अच्छी गेंद पीछे डाल रहे हैं, शॉर्ट बॉल का यूज कर रहे हैं गेंदबाज, बल्लेबाज को परेशानी होगी ऐसे गेंदबाज। अच्छी शॉट, इधर फील्डर मौजूद है और 1 रन, बहुत ही अच्छी गेंदबाजी अभी तक बासु से। 3-4 गेंदों पे 3 रन दिए हैं। ओ माय गॉडनेस, गोइंग 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 स्टैंड में जाके जुड़ी है ये गेंद, आखिरी गेंद बासु की और डिपॉजिट द स्टैंड। एक ओवर की समाप्ति, 9 रन गुजरात टाइटन्स के स्कोर। बापुन सिंह, उसके सामने चंद्रो, अच्छी गेंद, 2 रन की कॉल, 1 रन नहीं लेगा क्योंकि संतोष स्ट्राइक में रखना रहना चाहते हैं।
और अच्छी सोच, क्योंकि लंबी स्कोर है सामने है, तो संतोष सिंह ही मैच जिता सकती है। ये मैच जरूर नामुमकिन तो नहीं है, वाइड बॉल मुमकिन भी नहीं है किंतु नामुमकिन भी नहीं है ये मैच गुजरात टाइटंस ना जीत सके। अच्छी शॉट, ओवर कवर, डिपॉजिट द स्टैंड, छक्का, अच्छी बल्लेबाजी संतोष से। अरे दो तीन हिट लगाना पड़ेगा, वाइड बॉल ये लाइन में थी तो अंपियर कॉल वाइड बॉल। संतोष सिंह वाइड बॉल, दिशाहीन गेंदबाजी, जब बाबर ने स्टेडियम में कुछ खास प्रदर्शन नहीं किया है बॉलिंग से, ओ दिशाहीन, लगातार तीन वाइड बॉल, बॉलिंग प्रेशर में छक्का खाने के बाद जब तक संतोष है ग्राउंड पे तब तक गुजरात टाइटंस की सांस चल रही है और सांस चलने दे रही है। वो चार रन, वन बाउंस फोर, या बापन की जैसी एक पारी बुन पाएगी संतोष, क्योंकि स्ट्राइक पे सभी गेंद और लास्ट गेंदों पे सिंगल लेके अपने पास स्ट्राइक रखना चाहेंगे संतोष सिंह, क्योंकि ये मैच जीतने के लिए संतोष सिंह का ही बल्ला चालना चाहिए। और अच्छी सोच, अच्छी गेंद, एक रन, दो रन की है कॉल, वो मिल जाएंगे। ओवर की आखिरी गेंद, ओ फील्डर मौजूद है और चार रन, फील्डर के ऊपर से ओवर कवर, वन बाउंस फोर, दो ओवर की समाप्ति, 30 रन गुजरात टाइटंस को, और दो ओवर में चाहिए 45। जब तक संतोष सिंह है तब तक ये मैच बनी है, 10 गेंदों पे चाहिए 45 रन। तीसरा ओवर करने हैं कप्तान बापन मंडल, उसके सामने चंद्र घोष। इस ओवर में 21 रन लिए है, बहुत ही महंगा ओवर बापन का। इस ओवर में 20 रन आते हैं तो पंजाब किंग्स के ऊपर प्रेशर होगी, आगे बढ़ के मारने की कोशिश। अच्छे चालाक कप्तान है बापन, और खिला रहे हैं बाहर। अच्छी गेंद पेस से हुई, डाली हुई, फील्डर मौजूद है, 1 रन मिलेंगे। अब चाहिए 8 गेंदों पे 44 रन, मतलब 7 छक्के। उम्मीदों को ध्वस्त किया इस गेंद के साथ, अब 7 गेंदों पे 7 छक्के, सॉरी 7 ही गेंद है, हाँ वही गेंद है, 7 गेंद। अच्छी एयरकट, बल्लेबाज को मौका था कि फुल टॉस में तकदीर के तकदीर एयरकट बन गई है, अब उम्मीदें को धस किया है 2 गेंद डॉट होके, और मैच जीत ली है, मैच ऑलमोस्ट जीत ली है। 99% चांस हो गई है कि ये मैच पंजाब किंग्स नाम कर चुकी है। बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी बापन की तरफ से, 45 रन बनाए अपने बल्ले से, और गेंदबाजी आखिरी तीसरा ओवर करने आया है, केवल 1 रन दिए है। आज दिन रहा है बापन के, और दिन को भुनाया है पंजाब किंग्स के, और साथ निभाया है बासु ने भी। आज बापन की दिन है, आप जिधर भी मारो, कहीं भी देखो तो बापन को ही मिलेगी। और ये कैच मार बैठे चंद्र, सीधा दस्तानों में, सीधा अपने हाथों में मार बैठे बापन के हाथों में, और जाना पड़ेगा चंद्र को। और पहली बार बल्लेबाजी करने आए गुजरात टाइटंस के कप्तान चंदन सिंह, ये चंद्र गए चंदन आए, जूनियर टी10 लीग में अच्छी बल्लेबाजी की, किन्तु उम्मीदों को दस किया है, और आते ही पहली गेंदों पे छक्का चंदन के बल्ले से। ये छुपा के कहाँ रखी थी अभी तक कप्तान सोम, और एक बार फिर हाँ में गेंद, और 2 गेंदों पे 2 छक्के चंदन के बल्ले से, उम्मीदों को थोड़ी जगाएगी आने वाले मैच में चंदन के ऊपर कप्तान, देखेंगे, क्योंकि 2 गेंदों पे 2 छक्के इस बल्लेबाज पे वो नजर आ रही है कि हाँ ये बल्लेबाज ही जानती है, इस बल्लेबाज को नजर ही आती है देख के कि ये बल्लेबाजी किस तरीके से करते हैं, क्योंकि जूनियर टी10 लीग में आपको मैच याद होगा किस तरीके से वो 10 रन चाहिए थे 2 गेंदों पे 3 गेंदों पे, और फिनिश किया था वो गेम चंदन ने। आज जरूर उम्मीदों को खत्म कर दिया है
ऑलमोस्ट पंजाब के बॉलर, और इसी के साथ पंजाब किंग्स इस मैच को जीत लेगी 35 रनों से मैच को जीत ली है। और जिस तरीके से पंजाब किंग्स ने बापन का साथ दिया है, बापन ने 45 रन बनाए अपने बल्ले से और एक ओवर किया, एक रन दिया, और बासु ने बहुत ही अच्छी गेंदबाजी की पंजाब किंग्स के, केवल 22 कप्तान, एक ही ओवर था जो बापन का था, वही ओवर 21 रन दे गए हैं, किंतु बासु दो ओवर में केवल 13 रन दिए हैं, और बापन मंडल कप्तान अब बल्ले से 45 रन किए हैं और गेंदबाजी से केवल एक ओवर डाला है तो एक रन। अब सीधा चलते हैं कॉन्फ्रेंस और पंजाबी डांस इस छोटे से मुन्ना से लड़के में, और ये देखना चाहिए पहले मैच में आपको याद होगा कि बासु घोष ने हैट्रिक लेने के बाद एक पंजाबी डांस किया, आज इस छोटे से मुन्ने से यही इंजॉय है, और दो मैच जीती है 4 में से पंजाब किंग्स। और सीधा चलते हैं मैच सेंटर में, इस मैच के मैन ऑफ द मैच बापन मंडल कप्तान किंग्स को, 11 के बापन मंडल, और इनवाइट द स्टेज इस मैन ऑफ द मैच को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जयंत घोष, इनवाइट द स्टेज। आज बापन के साथ थोड़ी बातचीत करेंगे क्योंकि जिस तरीके से एक इनिंग्स खेली है, और बहुत बहुत थैंक्स जयंत घोष इस मैन ऑफ द मैच को रिप्रेजेंट करने के लिए। बापन के साथ अब थोड़ी बातचीत करते हैं। बापन आपको तो पहले कॉन्ग्रेचुलेशन इतना अच्छा इनिंग्स खेलने के लिए, कैसा लग रहा है आज अपने टीम के लिए इतना बड़ा इनिंग्स खेल के? बहुत ही बढ़िया लग रहा है, कैसा लगेगा? पिछले मैच में आप नहीं थे, इस मैच में आप कप्तान थे, आप क्या सोच लेके आए थे, क्या माइंड लेके आए थे? देखा था अगला वाला मैच बहुत ही बुरी तरह से हारे थे, एक बैट्समैन कम था, इसलिए आज वही दिक्कत पूरा करने के लिए आया था। वो बहुत बढ़िया खेला मेरा चंद्रो, मेरे साथ बहुत ही अच्छा निभाया चंद्र ने जिस तरीके से बल्लेबाजी की, टीम जिस तरीके से, टीम आपको किस तरीके से सपोर्ट कर रही है, बासु जिस तरीके से, बापन किस तरीके से, यंगस्टर आपको सपोर्ट कर रहे हैं कप्तानी में? सभी प्लेयर बहुत ही बढ़िया से रिस्पॉन्स दे रही है, बहुत ही अच्छा फील्डिंग बैटिंग कर रहा है, मेरे बाद कोई टाल रहा है, वो बहुत ही बढ़िया खेल रहा है, डग आउट बहुत ही खुश है। बहुत बढ़िया। और आप 2-4 में से 2 मुकाबले जीते हो, और पिछला मैच जिस टीम के साथ है वो टीम करी है, और उसके अलावा वो मैच में आप इस तरीके से बल्लेबाजी की आपकी उम्मीद होगी? कोशिश करूंगा, ऐसे ही खेलूंगा, अपने टीम को जिताऊंगा। और आपको टीम को ऑल द बेस्ट, सारा आपको भी ऑल द बेस्ट, इस तरीके से आप इनिंग्स खेलते रहिए जी आपने टीम के लिए। और कल धमाल मचने वाला, एक तरफ होंगे सनराइज बिरयानी और दूसरी तरफ होंगे चेन्नई सुपर किंग बिसल पोरू, आ रहे हैं कप्तान कार्तिक और उसके सामने होंगे शिवा सिंह, दोनों ही कप्तान अपने माइंड और चतुर चालाक है, और गेंदबाजी में दोनों ही कप्तान चलते सीना तान, बल्लेबाजी में फर्स्ट क्लास दोनों कप्तान, कल देखने को मिलेंगे चेन्नई सुपर किंग और हैदराबाद का मुकाबला। इसी टाइम हमारे साथ जुड़ जाइए, आप सब लोग को धन्यवाद, और इसी हमारे इसी तरीके से हमारे को सपोर्ट करते रह जाइए।